नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार, मोक्ष की नगरी, और मोक्ष की नगरी में हमने सभी नेताओं को, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सभी को स्वागत। आम आदमी पार्टी से पवन ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस से राजवीर सिंह जी, आपका स्वागत सर। बीजेपी से चमन सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज सवाल जवाब सब जनता द्वारा डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये सीधी बात होगी, किस्सा कुर्सी का, लालच कुर्सी, सब कुछ कुर्सी। तो बोलते हैं ना, नेताओं की क्या है, कुर्सी। तो मेन कुर्सी हमने उसी बात पे रखा है, किस्सा कुर्सी का। तो सबसे पहले हमारी बात होगी सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष, अपने बारे में बताएं कि आपकी उपलब्धियां 4.5 साल, वैसे तो यहाँ के प्रतिनिधि पिछले 9.5 साल से हैं, तो सबसे पहले आप अपनी उपलब्धियां बता दें, बाकी बात आपसे बाद में करते रहेंगे। BHL रानीपुर विधानसभा, देवभूमि उत्तराखंड में गंगा के तट पर स्थित, जो मिनी भारत का स्वरूप है। 2012 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने और 2012 से 2021 तक जितने कार्य पिछले लगभग 9.5 वर्षों में हुए हैं, वो 2012 से पहले 2047 से 2012 तक आज तक नहीं हुए। और जो हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, वो विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे क्षेत्र में विकास के नाम पर जितने कार्य भाजपा सरकार और भाजपा विधायक द्वारा कराए गए हैं, वो ऐतिहासिक हैं। चाहे सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सुविधाएं हो, उसके अलावा जितने भी हमने और कार्य, सीवर नगर पालिका बनाना हो, अपने क्षेत्र में नगर निगम बनाना हो, प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों की झड़ी लगा रखी है। और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और विपक्षों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मैं तो उन्हें सलाह देता हूं कि वो चुनाव ना ही लड़े तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए, मुद्दा है कि नहीं है, अभी देखते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ हैं राजवीर जी, आपका स्वागत है पहले तो। और आप इनके मुद्दों से कितने सहमत हैं, इन्होंने पूरे किए या सिर्फ वादे हैं, बातें हैं, या सिर्फ 4.5 साल 9.5 साल जिसको बोल रहे हैं अब, वो प्यार प्रेम को छलावा तो नहीं है कहीं? नमस्कार। देखिए, जो वर्तमान सरकार अपनी उपलब्धियां आपके समक्ष गिनवा रही है जी, वो सिर्फ एक ढकोसला है। आज जिस तरह से युवाओं को परेशान किया जा रहा है, आज के युवा को सबसे पहले रोजगार चाहिए, और रोजगार नाम की चीज इस सरकार के टाइम में समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस 2002 में जब नारायण देव तिवारी जी के टाइम में मौका दिया गया था कांग्रेस को, ये सिडकुल उनकी देन है, जहां आज हम बैठे हुए ये उनकी देन है, उसी के कारण है। BHL नेहरू जी की देन है, तमाम विकास जो रोजगार के संसाधन पैदा किए हो, कांग्रेस की देन थी, और इन लोगों ने धीरे धीरे उनको समाप्त करने का काम किया है। 2017 से जब से बीजेपी की सरकार आई, आप सिडकुल का हाल देख लीजिए कहां पर है, 50% एम्प्लॉयज हो गए BHL में। 2014 के बाद जो केंद्र का एक पब्लिक सेक्टर कांग्रेस का लगाया हुआ था, उसकी हालत देख लीजिए, आज 50% एम्प्लॉय रह गया। संविदा श्रमिक जो 15,000 2014 में काम करता था, आज वो 1500 रह गया। तो ये खोखले दावे हैं। आज मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अभी आने की तरफ एक पुल बना हुआ था जो कांग्रेस के टाइम में बना था, मानता हूं वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था किन्हीं कारणों से, उसे रिपेयर तक नहीं करा पाए। आप देखते हैं आने की और रहता पुल की बात तो अभी दोबारा होगी, पुल तो बहुत गिरे हैं और बहुत। हाँ जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी का भी इंट्रोडक्शन, फिर शिकायतें तो चलती रहेंगी हमारी। जी, आम आदमी पार्टी से पवन जी, बहुत नमस्कार जी। आम आदमी पार्टी, पहले तो मैं बधाई दे दूं आपको, आम आदमी पार्टी ने पांव जमा लिए हैं धीरे धीरे अपने उत्तराखंड में, तो अब वादे वादे हो रहे हैं सिर्फ अभी जी। आम आदमी पार्टी कोई वादा नहीं करती। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे हरिश्चंद हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब हम किसी पार्टी की तरह ये नहीं कहते कि हम 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, किसी के खाते में पहुंचेंगे पैसे, हम वो काम नहीं करते। हम जो आम आदमी की ज़रूरत है, हम उस पर काम करते हैं। हम बिजली पर काम करते हैं, शिक्षा पर करते हैं, स्वास्थ्य पर करते हैं। हमारे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा का क्षेत्र दिखाया है, वो आज मतलब विश्व में सब जगह उनकी देख हो रही है। चलिए, आम आदमी पार्टी, आप कहते हैं कि केजरीवाल जी के मॉडल पर आप लोग काम करने वाले हो। मैं जनता से सवाल लूंगा, जो जो अपने अपने सवाल लेना चाहते हैं, आप अपने अपने हाथ उठाए हैं, मैं उनके पास सबके पास पहुंचूंगा। तो आप अपनी अपनी पार्टियों से पहले सवाल ले लीजिए, फिर चलता रहेगा सब जी। आप किससे पूछना चाहते हैं? मैं बीजेपी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं जी, बीजेपी आपके उनसे बात करना चाहता हूँ।
क्योंकि आना तो आदेश चौहान जी जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं इस क्षेत्र के रानीपुर विधानसभा, उनको आना था। मुझे लगता है कि वो जनता के सामने फेस करने की क्षमता नहीं रखते या लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, इसलिए शायद नहीं आए होंगे। जैसा उनके प्रतिनिधि ने कहा कि हमने बहुत रोजगार के लिए काम किया है, कोई भी दो योजना आदेश जी को हो गई हैं, तो क्या कोई भी योजना रोजगार के मामले में 10 साल से कोई काम किया हो या कोई बहुत बड़ा काम किया हो, स्वास्थ्य के मामले में कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो बताएं। तो ये केवल एक वायदे करते हैं, झूठे हिंदू मुस्लिम। चलिए, इनका कहना है कि आप वायदे करते हैं, नौकरियों के नाम पे कुछ नहीं है, उनको खुद आना चाहिए था, नहीं आए, मगर हम लेके आएंगे उनको, चिंता ना करें। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ जी, मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी से सवाल करूंगा जी। जनता ने जनता में 2014 में निशंक जी को सांसद बनाया है। मैं पूरे 5 साल गुजर गए, कहीं क्षेत्र में ना तो कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई सड़क का निर्माण करा है, ना कभी जनता देख पाती है। सिर्फ जनता ने अब देखा था 19 के बाद, जब उन्होंने केंद्र में मिनिस्टर बना, जब देखा, जब उन्हें हटाया, जब देखा न्यूज में 2019 में भी सांसद चुने गए, कहीं कुछ काम हो बता दें। चमन चौहान जी बता रहे कुछ काम कराओ, सड़क बनाई, कोई कॉलेज लाए हो, कोई किसी तरह का कुछ भी कर विकास। आपके ना, आपको इन्होंने भी बोल दिया कि कोई विकास नहीं। मैडम, आप कुछ कहना चाह रही थी जी? हाँ, मैं ओवरऑल सर से नहीं बल्कि ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल पार्टी से बात करेंगे जी। हाँ, मतलब अभी तो जो पिछली सरकारों ने जो बनाया था उसे बेच कर ये देश चला रहे हैं। एक लिमिट के बाद जब ये सब बेच देंगे, प्राइवेट कर देंगे, तब देश को कैसे चलाएंगे ये? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल। आप, इनका कहना है कि आप सभी पार्टियों से, मैडम का कहना है कि आप सभी पार्टियों ने कुछ ना कुछ बेच के ही देश को चलाया है। अब आगे फ्री भी देने वाले हो, आगे क्या करने वाले हो, किस तरह से चलाओगे देश को, इस सभी दलों से सवाल है उनका। वादे ही कर रहे हो या फिर कुछ और बेचने की तैयारी में हो? तो पहले तो आप इनका जवाब दे दीजिए, नौकरियां कहाँ गई इनकी, कहाँ गया विकास? पहले तो मैं इन्हें बता देता हूँ, इन्होंने कहा है कि यहाँ आदेश चौहान जी को आना चाहिए था। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं में आदेश चौहान है, और जो भी सवाल जवाब जनता करना चाहती है, विपक्षी करना चाहता है, उनका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षम है। जो इन्होंने बात कही है कि विकास कार्यों की, सबसे पहले रोजगार की, 2017 के चुनाव में यहाँ 1,41,000 वोटर थे, आज 1,60,000 वोटर हैं, लगभग 5,000 परिवार और बढ़े हैं। वो सारे 5,000 परिवार नए क्षेत्रों में बढ़े हैं, नए क्षेत्रों में परिवार बढ़े हैं, तो इसका मतलब जो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं वही अपने मकान बना रहे हैं, तो रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात जो इन्होंने कही है कि विकास कार्य क्षेत्र में कहीं नहीं है, लगभग 150 करोड़ के सड़कों के और पुलों के कार्य पिछले 12 से लेके अब तक, जिसमें 5 साल 12 से 17 कांग्रेस की सरकार रही, जिसका सौतेला पूर्ण रवैया हमारे विधायक के साथ रहा, लेकिन 17 से अब तक लगभग 150 करोड़ के सड़कों और पुलों के काम। उसके अलावा जो उन्होंने कहा है भाई साहब ने कि चिकित्सा के क्षेत्र में जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज, सिडकुल में ESI हॉस्पिटल, रोशनाबाद में होम्योपैथिक हॉस्पिटल, बहादराबाद में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, बहादराबाद CSC सेंटर को अपग्रेड करने के लिए 6.5 करोड़ पे स्वीकृत करा दिए गए हैं। उसके अलावा औरंगाबाद में PSC सेंटर, सुमन नगर में PSC सेंटर, जो कार्य जिसमें आजादी के बाद से अब तक जो नहीं चले थे वो चल रहे हैं। अच्छा, सब कुछ अच्छा। अच्छा, पुल कैसे गिर गया? पुल भी भाजपा की देन था। गिर भी गया भाजपा में, ये तो देवी आपदा है, कभी भी हो सकता है, पूरे प्रदेश में देवी आपदा आ रखी है। देवी आपदा है जी, बहुत। हाँ जी, देवी आपदा आपके टाइम पे नहीं आई? देखिए, जो मेरे छोटे भाई ने अपने विकास कार्यों की बात आप सबके समक्ष रखी है जी, वो कहीं धरातल पर नहीं है, वो कागजों में है। मुझे बता दें, अभी ESI हॉस्पिटल का एक इनॉग्रेशन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, वो तो माननीय हरीश रावत जी अपनी टाइम में कर चुके थे, उसके बाद सरकार चेंज हो गई थी। शिलान्यास का काम किया आपने? शिलान्यास का काम किया, कोई डेवलपमेंट है उसमें? कोई शिलान्यास तो आपने किया ना, उनके टाइम पे रख दिया गया था। हाँ, रख दिया गया था, नहीं बनाया, अभी भी शिलान्यास दोबारा किया उन्होंने। अच्छा, बाउंड्री हम करा चुके थे। अच्छा, ठीक है। आम आदमी पार्टी, हाँ जी, देवी आपदा, आपदा या अवसर, ये आप बताएंगे। नहीं, आपदा नहीं, देवी आपदा की बात तो ये है, जहाँ विधायक जी का क्षेत्र है, जहाँ विधायक जी रोज निकलते हैं बैरल नंबर 6 से भाईचारे तक, आज की रोड का हालत देखो, आज कैसी हालत है उसकी, जिस पर कोई चल नहीं पाता, रोड नहीं वो गड्ढे दिखाई देते, रोड बार बार। पार्टी अभी आरोप लगा रही है कि रोड नहीं है, गड्ढे हैं। देवी आपदा बहुत बड़ा, देवी आपदा मैं तो अवसर बोलूंगा, कि जब तक आपदा नहीं आती अवसर भी नहीं आते। अभी भाई साहब ने बताया, आप पार्टी वालों ने
कि माननीय हरीश चंद की उपाधि दी उनको केजरीवाल जी को। अरे उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगा, और अपने सत्ता के उसके अंदर वो आ गए और राजनीति में उतर आए। मान्य ने हजारे जी को पीछे छोड़ दिया, तो हरीश चंद क्या झूठे कसम खाते थे क्या? आप इसका जवाब मुझे दीजिए। राजवीर जी ने अभी जो कहा, उस टाइम वित्त की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने खाली हवा में घोषणा करी थी। अब वित्त की व्यवस्था हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। यहाँ तो पब्लिक जवाब दे रही है, आपके आपके आपका सपोर्ट पे बिल्कुल पब्लिक उतरी हुई है। हाँ जी, वो तो बोलते हैं सिर्फ उस टाइम व्यवस्था कुछ नहीं थी, आपने सिर्फ घोषणाएं कर दी, शिलान्यास कर दिया। अभी चुनाव सामने है 2022, अपने आप पता चल जाएगा। अगर वित्तीय व्यवस्था है तो 2022 तक बना के दिखा दे, कोई काम करके दिखा दे। अभी शिलान्यास जगजीतपुर में भी किया है। अरे तो समय तो आप लोग भी, जमीन हमने दी है, हमने डबल इंजन की सरकार दी हुई है, डबल इंजन की सरकार बताए तो सही। कहां को अभी जगजीतपुर में जो शिलान्यास किया है उसमें एक ईंट लगाई जब से, वो जमीन भी हमने दी है, नगर निगम ने दी है, नगर निगम हमारा है। नगर निगम आपका है तो डूब, जो रोड नहीं है डूब रहा है, ये भी सब आप ही का होगा। ऐसा है माननीय विधायक जी, अभी 2022 सामने है, ये बात उन्होंने 2017 के आने से पूर्व भी की थी। अपनी निधि को वो चुनाव से 6 महीने पहले के लिए रोक के रखते हैं। जो सड़कों की बात करते हैं मात्र वो चुनाव आने के नजदीक करते हैं, नहीं तो जितनी जो नई कॉलोनिया। अच्छा, नगर निगम की जिम्मेदारियां क्या क्या? मैं बता देता हूँ, जो नई कॉलोनिया इस विधानसभा क्षेत्र में है उन सब ने इस विधायक इन विधायक जी को चुना था, लेकिन विधायक जी ने सिर्फ उनको छलने का काम किया। आज नई कॉलोनियों के लोग इतने त्रस्त हैं, और उनके अलावा और भी हैं, लेकिन नई कॉलोनियों में अगर एक भी सड़क बनाई हो, एक भी नल लगाया हो, एक नाली बनाई हो, कोई भी व्यवस्था की हो, ये खाली बातों से काम नहीं चलता, धरातल पे दिखाई दे। धरातल कोई नजर नहीं, धरातल पे दिखाएंगे। आपकी पार्टी पे बड़ा आरोप, बच्चों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आऊंगा, अन्य हजारे जी को भूल गए, जनता को भूलने में तो टाइम ही नहीं लगता किसी को। जब कोई काम नहीं होगा तो हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं। हमारा हर आदमी, हर जो भी, खुद के विचार तो बदलो। हमारे खुद के विचार बदले हुए हैं। तो कहां से कसमें क्यों खाते हो? नहीं, कसमें नहीं खाई, हमने बिजली का वादा किया था, पानी का वादा किया, दिल्ली में बिजली दी, 200 यूनिट बिजली फ्री दी है हमने। उत्तराखंड की बात करें या दिल्ली की करें, आप बताएं। उत्तराखंड में तो हमारी सरकार है नहीं, अभी तो हम पैर जमा रहे हैं। उपलब्धियां दिल्ली की गिनाएंगे और बात राजनीति उत्तराखंड की। उत्तराखंड में राजनीति करेंगे हम, जो वादा करके आएंगे, हम जो वादा करते हैं वो लिखित में करते हैं। कितनी नौकरियां दी आपने 7 साल में? सात साल में कितनी नौकरियां दी? नौकरियां कितनी दी आपने सात साल में? विकास करे दिल्ली में किया ना हमने, कितना दिल्ली में काफी किया। कितनी नौकरियां? 7 साल में 1000 आदमियों को नौकरियां दी हमने। कितने? कई 1000 आदमियों को हमने। 6 महीने में 1,00,000 आदमियों को नौकरी देने। यहाँ 6 महीने में 1,00,000 आदमियों को नौकरी का वादा किया, लिखित में कर रहे हैं हम वादा। ये एक कार्ड लेके घूमते हैं और ये कार्ड लेके बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो लिख के कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं। और 7 साल में इन्होंने कुछ हजार नौकरियां दी हैं और यहाँ 6 महीने में 1,00,000 नौकरी देने वाले हैं। जी, आप कुछ पूछने वाले थे? हाँ जी, मैं ये राजवीर भाई साहब से पूछना चाह रहा था। राजवीर भाई साहब से पूछना चाह रहा, जोर से उठ के बोले जरा। मैं राजवीर भाई साहब से पूछना चाह रहा था, ये बोल रहे हैं कि जगजीतपुर में जमीन हमने दी। भाई, नगर निगम की रजिस्ट्री आपने करा रखी है, ये पूरा भारत देश जनता का ही है, जनता के लिए दिया गया है, लेकिन प्रस्ताव किसने दिया? यहाँ के विधायक ने प्रस्ताव दिया, भारतीय जनता पार्टी के। और रावत जी की जो बात करते हैं, हरीश रावत जी की, वो तो आप जब पत्रकार लोगों ने स्टिंग किया था वो कहते थे आप भ्रष्टाचार करो मैं आग बंद कर लूंगा, तो ये भ्रष्टाचार करने के लिए आ रहे हैं कि 2022 में? अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस भ्रष्टाचार करो आंखें मैं बंद करूंगा, ये इनका आरोप है आपकी पार्टी के ऊपर। आज जो जमीन आपको दी है उसका जो है वो उनके किसान विधायक निधि से गया है वो आपके पास। जी, इस तरह का भ्रष्टाचार जैसे राफेल में अभी हाल ही में किया गया है। राफेल की बात ना करो आप यहाँ पर। नहीं, अभी रोजगार की जो मैं बात कर रहा था, माननीय हरीश रावत जी 2.5 साल में 34,000 स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियां निकाली थी और 18,000 पे रिक्रूटमेंट हो चुका था, 16 बची हुई थी, 16 पे कार्य जारी था, वो अगर एक भी भर्ती इन्होंने की हो बीजेपी ने, बता दे मुझे। अच्छा, एक भी नहीं, आपने तो पेपर लीक करके भी नहीं की, कौन कहता पेपर लीक? अरे एक मिनट, इनका कहना है कि आपने तो पेपर लीक करके भी नहीं करी, हमने पेपर लीक करके तो कर दी। चलिए, आप और किसी का सवाल था? आपका था। हाँ जी, आप बताएं जी। मेरा पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि इनका कहना है कि हमने कांग्रेस से सवाल है इनका। हाँ जी, सुन लीजिए आप। नहीं, सवाल तो भाजपा से भी होगा, मैं कांग्रेस से कर लेता हूँ। इनका कहना कि हमने प्रदेश के विकास के लिए उत्तराखंड में सिडकुल की व्यवस्था की, इनमें से जितनी भी इंडस्ट्री लगी इसमें कुछ इंडस्ट्री पर्वतीय क्षेत्र में लगाई जा सकती थी, जैसे हर्बल कंपनी, वो छोटी छोटी यूनिटें होती हैं, वहाँ का विकास हो जाता है, जड़ी बूटी का प्रदेश है हमारा,
वहां से इस समस्या को झेलने के लिए उनको पर्वतीयों को मजबूर कर दिया कि उनको पलायन करके यहाँ आना पड़ा नौकरी करने के लिए, जबकि कुछ उद्योग इसमें से पर्वतीय क्षेत्र में लगाए जा सकते थे। दूसरा सवाल मैं भाजपा से करूंगा, दूसरा सवाल मेरा भाजपा से। जिस समय ये यहाँ देहरादून वाला टोल प्लाजा चालू हुआ उससे पहले इनके साथ संज्ञान में ये चीज होगी कि टोल प्लाजा कहाँ बनाया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने संघर्ष करने के बाद में ये उत्तराखंड का निर्माण कराया, उत्तराखंड तब बना। आज उत्तराखंड का कोई भी लोग अगर वहाँ देहरादून में जाएंगे, राजधानी में जाएंगे, रिश्तेदार के जाएंगे, अपना इलाज कराने के लिए जाएंगे, तो उनको सबसे पहले 20 किलोमीटर चलने के लिए वहाँ पर टोल प्लाजा 170 चार्ज कराना पड़ेगा, या फिर जितने भी वहाँ से ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन आता है उसका सबसे 20 किलोमीटर चलने के लिए मात्र 170 रुपये पे करना पड़ता है। इसी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमें पट्टी नीति के आधार पर ये नहीं देखना है विकास कहाँ हो रहा है, हमें देखना है पट्टी नीति बनने के बाद में सरकार बनने के बाद नीतियाँ क्या ला रहे हैं, जनता की सेवा कहाँ कर रहे हैं। इनका सुझाव है आपके लिए, नीतियाँ कहाँ आनी चाहिए, टोल प्लाजा कहाँ होना चाहिए। और आपसे आपसे सीधा सवाल, आप लोग आपने अपने टाइम पे सिडकुल की बात करी, पिटकुल की बात करें, है ना, सभी के रोजगार गाँव तक नहीं पहुँचा, शहरों में रह गया। मेरे साथियों ने कहा भी जो सिडकुल लगाए गए वो प्लेन में लगाए गए, सिडकुल देहरादून में भी लगा है, सिडकुल उधम सिंह नगर में भी लगा है, सिडकुल हरिद्वार में भी लगा है। उन्हें वहां लगाने का उद्देश्य ये था, इतनी जगह पहाड़ों पर प्लेन में इतनी जगह उपलब्ध नहीं थी, जहां जमीन उपलब्ध हुई वहीं सरकार ने उसको उपलब्ध कराया सिडकुल को, ये कारण था। और रोजगार में, रोजगार ठीक है दूर आना पड़ा लेकिन रोजगार मिला, सभी को मिला, ठीक है अस्थायी रूप से नहीं मिले, अस्थायी रूप से मिलना चाहिए, कुछ कमियाँ हैं उनको अभी आने वाले समय में दूर किया जाएगा। उत्तराखंड के निवासियों को सिडकुल में 70% रोजगार मिलने चाहिए, जिसकी अभी भरपाई नहीं हो पा रही है, उस पर काम करेंगे आने वाली सरकार, वर्तमान सरकार को करना चाहिए। अगर नहीं करेगी 2022 में लोग बदलने के मूड में बैठे हुए हैं, तो 2022 में जो सरकार चलिए चलिए आप कह रहे हैं 2022 में बदलेंगे, ये बोल रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र में जगह थी हमने वहां पर फैक्ट्रियां डाल दी, आगे व्यवस्थाएं नहीं थी, ये इनका इनका कहना है, मैं एग्री नहीं करता हूं इस बात से। हाँ जी, आपसे भी सवाल था उनका, जो आपने बताया टोल प्लाजा का कि टोल प्लाजा हर 20 किलोमीटर के बाद लगा हुआ है या लगना चाहिए। टोल प्लाजा आपने देखा होगा जो ये हमारा देहरादून दिल्ली हाईवे था, जो 10 सालों से कांग्रेस सरकार की आक्रमणता की भेंट चढ़ा हुआ था, वो हमारी केंद्र में मोदी सरकार आई और राज्य में सरकार आई भाजपा की, तो उसके बाद से वो चालू हुआ है। जो सफर पहले हमें 6-7 घंटे में पूरा करते थे, आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में हम पूरा कर लेते हैं। और टोल प्लाजा जो पब्लिक की जो भी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे निर्णय ले जाएंगे। अगर नेपाली फार्म पे टोल प्लाजा की बात चली थी, पब्लिक ने कहा ये नहीं होना चाहिए, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे वहां से उसका निर्माण रोक दिया गया। चलिए, इनका कहना है कि इन्होंने विकास तो बहुत किया। हाँ जी, आपके प्रश्न ले लेता हूँ। जी जी, आप। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है जी, कि अभी आपने देखा होगा कि 2009 से 2014 तक यहाँ से हरीश रावत जी जो है वो रहे सांसद और केंद्र में पेयजल मंत्री रहे, कितनी आप पेयजल की योजना है अपने इसके के लिए लाए, रानीपुर विधानसभा या हरिद्वार के लिए कितनी पेयजल की योजना लाए, और उससे पहले हरीश रावत जी जब 2017 का चुनाव आया, जैसे आज ये आप वाले घर घर कार्ड दे बांट रहे हैं, जो 2022 के बाद दिखाई शायद ना दे कार्ड बांटते हुए, रोजगार भत्ता के कार्ड आपने बांटे और उसमें लिखा जो कांग्रेस को वोट देगा उसको हम रोजगार भत्ता देंगे, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया कितनों को आपने रोजगार भत्ता दिया अब तक। चलिए चलिए, सुन लिया जी इनका जो इनका प्रश्न सुन लिया आपने। जी बताएं, रोजगार भत्ता कांग्रेस को वोट दोगे तो लालच आपने दे दिया था पहले इनको। देखिए, पहले तो मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा इस बात में संशोधन करें कि कांग्रेस को जो वोट देगा उसी को नौकरी मिलेगी। नौकरी जब कोई प्रतिनिधि होता है उसके लिए सब समान होते हैं, वो सब वो मुझे दिखा देना आप, वो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं आपके लिए छपा होगा वो, हो सकता है। देखिए 2009 से 2014 तक जो आपने माननीय हरीश रावत जी को जिम्मेदारी दी थी, वही हरीश रावत जी हैं जिन्होंने रोशनाबाद से लेकर और बिहारीगढ़ तक 12 पुलों का निर्माण किया था और इस सड़क का निर्माण किया था, जहां आप 8 घंटे में नहीं जा सकते थे अब 80 मिनट में जा सकते हो, वही हरीश रावत हैं। चलिए, हरीश रावत जी ने बहुत विकास करा, और इनको वो पर्चा दे देना जिसमें लिखा कांग्रेस को वोट दोगे तो हम आपके नौकरी देंगे। हाँ जी, आपका सर। नमस्कार, आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने रानीपुर विधानसभा के कुछ मुद्दे उठाए जी। मेरे को लगता है कि प्रश्न होना चाहिए जो सत्ता में पार्टी बैठी है। हाँ, उससे बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अभी माननीय हमारे चौहान साहब ने बताया कि मोदी जी ने और प्रदेश सरकार ने दोनों ने मिलकर सड़कें ऐसे बना दी कि जो दिल्ली का सफर 10 घंटे में होता था वो 4 घंटे में हुआ।
उसके लिए जो हमारा रिजर्व बैंक से जो 1,76,000 करोड़ रुपए की जो रिजर्व मनी निकाली गई और उससे जो हमारे देश को FDI का जो नुकसान हुआ, जो बाहर से संस्था आने थी कंपनियां वो नहीं आ पाई, उससे जो रोजगार को लॉस हुआ उसका क्या हुआ? क्या इनके पास इतना पैसा था कि ये सड़कों पे खर्च कर देते? देखिए सड़कें, देखिए इनका जवाब मैं भी दे सकता हूँ पर इन्हीं को देने देता हूँ जी। सवाल इनका था कि रोड बनी है, सारा कुछ बना, FDI का फंड लग गया, जो रोजगार यहाँ आना चाहिए था वो नहीं आया, ठीक है, इंडस्ट्री आनी चाहिए थी नहीं आई, जो इतना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, ये कहावत है कि अगर जिस देश की सड़कें बढ़िया होंगी उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर आपके यहाँ सड़कें बढ़िया नहीं है तो कोई रोजगार लगाने भी नहीं आएगा। आज जितने सिडकुल में नई कंपनियां आ रही है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि रोजगार के अवसर बढ़े, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आए, अगर सड़कें आपकी गड्ढा युक्त होंगी तो कोई नहीं आएगा। चलिए इनका कहना है कि सड़कें अच्छी नहीं होगी तो कंपनियां नहीं आएंगी। अच्छा आप अच्छी सड़कें नहीं चाहते? मेरा बजट जो होगा ना मैं उसी हिसाब से बच्चे की शादी करूंगा, मैं कर्जा लेकर के शादी करूंगा और घर दिवालिया हो जाए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सिंगल नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है बीजेपी की, पालिका इनकी, हमारे विधायक जी बीजेपी के, हमारे स्टेट में बीजेपी की सरकार और हमारे केंद्र में बीजेपी सरकार, चार इंजन की इनकी सरकार है हमारे लिए। और यहाँ का हाल देख लो आप, सुभाष नगर चले जाओ, टिहरी विस्थापित चले जाओ, बेच शिवालिक नगर की रोडों को ही काला पीला करवा के उसी को ही विकास करते रहते हैं। आप अपने स्थिति देख लीजिए, अपने विकास को स्थिति देख लीजिए, विकास बड़ा हो रहा है जी, बताएं अंकल। बहुत बड़ा अंतर है, उसी तरह अंतर है कि जैसे जो है ना, मतलब उसमें कहा गया था, मतलब जो है कि मतलब किसी पत्रकार ने, संवाददाता ने पूछा कि मतलब सोनिया गांधी में और जो अटल जी में क्या अंतर है, आप जो सोनिया गांधी को पीछे करके अटल जी की व्यवस्था करते हैं, तो उस आदमी ने जवाब दिया था उस समय क्या उतना ही अंतर है कि एक ने शादी के लिए देश छोड़ दिया और एक ने देश के लिए शादी छोड़ दी, ऐसा ही दोनों पार्टियों में अंतर है। और हमने अच्छी तरह देखा है, मेरी अवस्था लगभग 67 वर्ष की है, हमने देखा है कांग्रेस के समय में या दूसरे लोग, कांग्रेस के समय में विशेषकर ब्लैक में सीमेंट मिला करता था, रात में लाते थे, उन बोरियों में राख निकला करती थी। जात पात को सबसे ज्यादा फैलावा जो है कांग्रेस ने दिया, छुआछूत का सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दिया, और आज विकास चरम सीमा पे है, अंत तो कभी नहीं हो सकता विकास का, लेकिन जितना विकास जो है बीजेपी के समय में हुआ है, जितनी सड़कें बनी है, चिकित्सा के मामले में हुआ है, एजुकेशन के मामले में हुआ है, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जितना विकास जो है इस कार्यकाल में हुआ है, जो अब बीजेपी के कार्यकाल में, वो तो उतना न कभी हुआ और न कोई कर ही पाएगा। एकमात्र बीजेपी चलिए बीजेपी 2022 में बीजेपी फिर पूरे जोर शोर से आएगी, ये मेरा विश्वास है। आशीर्वाद रखिए इनके ऊपर, आशीर्वाद रखिए। हाँ जी आप फिर से बोलना बताएं। मैं यही कहना चाह रहा था, बात मोदी जी की चल रही थी अभी, भाई साहब बता रहे थे सोनिया जी की, अटल जी की, आपकी बात जान ही रही है वहां पे। जैसे अटल जी के समय पर गैस सिलेंडर सरलता से उपलब्ध हो जाते थे कस्टमर को, और आज जब कांग्रेस की सरकार आई ब्लैक में 1200 के सिलेंडर आदमी को मिलते थे, आज भाजपा, लेकिन ब्लैक में सिलेंडर नहीं मिल रहा है, घर घर पे होम डिलीवरी हो रही है, लोगों को राहत मिल रही है, धक्के नहीं खाने पड़ रहे कहीं पर, ना कोई भ्रष्टाचार का एक रुपए का भी आरोप नहीं है मोदी जी के ऊपर, ना यहाँ के विधायक के ऊपर आरोप, मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं है, ये बात सही है। 1000 रुपए का सिलेंडर इन्हें जायज लगता है, ये जनता में से जायज लगता है इनको 1000 रुपए, 100 रुपए का पेट्रोल भी जायज लगता है क्या भाई? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस से कि जैसे अभी नए क्षेत्र की बात हुई थी कि नए क्षेत्र में कॉलोनियां हैं और उसमें विकास नहीं हुआ है, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि नवोदय नगर रोशनाबाद में जो आता है वो भी आपसे नहीं और कांग्रेस के कार्यकाल से था, तो वो एक कोई विकास कार्य बता दे नवोदय नगर के अंदर कि कोई विकास कार्य उन्हें एक भी कराया हो। रही बात अभी गैस की बात चल रही थी, तो अब तो सिलेंडर की आवश्यकता ही नहीं है, घर घर गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है, यूज करो। चलिए जी 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 आपका प्रश्न है, जी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ जी जी बताएं। तो भाई साहब ये है कि आप जनता की डिबेट तो करवा ही नहीं रहे, जनता की डिबेट है ये, यहाँ तो भाजपा के पदाधिकारी बैठे हैं सारे, ज्यादातर भाजपा के पदाधिकारी बैठे, सभासद भाजपा के बैठे, ऐसे लोग बैठे, तो लाओ ना अपने 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 मुद्दे लाओ, आप मुद्दे ही, अब मुद्दे की बात सुनो, जनता इनके साथ आई नहीं रही भाई साहब, जनता इनके साथ आई नहीं रही, जनता इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार। चलिए एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, जब पलने वाली कांग्रेस है ये, जब जनता इनके साथ नहीं है, मैं बाहर प्रचार के लिए जा रहे हैं,
ये प्रचार के लिए जा रहे हैं, उन्हीं रोडों से जा रहे हैं जो विधायक जी ने बनवाई है, लेकिन जनता इनको घुसने नहीं दे रही है। अरे बहुत भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, एक मिनट इनको भाई साहब, जहाँ से विधायक जी आते हो मैं भी उसी गांव से रहता हूँ, विकास तो आपको विधायक जी के गाँव में दिखाई देगा, ठीक। और जिस रास्ते से विधायक जी का रोज आने जाना ना, मेरे साथ चलो हनुमान मंदिर, दोनों विधायक जालापुर विधानसभा भी और रानीपुर भी, 5 साल नहीं 10 साल से वो सड़क आज तक नहीं बनी और उसका कमीशन खा के भाजपा के नेता बन रहे। और यदि भाजपा इतना प्रदेश में विकास करती ना, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि भाजपा को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए, भाजपा को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। और भाजपा 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 रानीपुर विधानसभा रानीपुर विधानसभा एक चल एक मिनट भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई साहब, सुनो, एक हमारे भाई साहब ने कहा कि यहाँ, सुनो भाई ये एक हमारे भाई साहब ने कहा है कि यहाँ तो सब पदाधिकारी आए हुए हैं, सारे पदाधिकारी, मैं आप ही लोगों से वो करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप तय कीजिए और घर भी आप तय कीजिए, अगर ये फैसला ही करना चाहते हैं जनता के बीच में जाइए, वो तो नहीं क्वेश्चन भी आपके होंगे, देखिए क्वेश्चन भी आपके होंगे और सवाल भी घर भी आपके होंगे, तब आपको और पता लग जाएगा। चलिए वो तो अच्छा, एक बात और, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, कि अगर हम 100 पैसे भेजते हैं तो 15 पैसे पब्लिक तक पहुँचते हैं, पर दुर्भाग्य से कोई रास्ता नहीं बताया कि वो 100 पैसे कैसे पहुंचे। आज प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, चाहे जनधन योजना के द्वारा किसान सम्मान निधि की बात हो, पेंशन की बात हो, किसी भी तरह की सहायता, बिल्कुल 100 पैसे के 101 पहुंच रहे हैं, कम नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये भ्रष्टाचार को जो लगाम ले, बिल्कुल बहुत तालियां बजनी चाहिए इनकी बात पे, बहुत बढ़िया बात है। मैं आप राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ, मुझे भी पूछना, एक आप वाले मैं साथी से करूंगा कि आप वाले हमारे साथी कह रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा बहुत अच्छा काम, आप कहते हैं कि हमने वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक आपने खोले, फिर ये कोरोना के समय में जितनी है तो वहाँ पोल खुल गई, कहीं भी पोल खुल गई, आप पूरे देश से मांग रहे हैं सहायता करो, अगर सारे स्टेट ऐसे ही करने लग जाते तो कैसे काम चलता, बातों से काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक मिनट मैं इनकी बातों का, इन्होंने कहा आपकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, आपकी योजना में 100 रुपए निकलते थे 15 पैसे पहुंचते थे, या 15 रुपए पहुंचते थे, 15% तक जनता तक पहुंचती थी, कुछ योजनाएं इनकी अच्छी थी, कुछ योजनाएं आपकी अच्छी थी, आप एक दूसरे को, मैं हर बार ही पूछता हूं कि एक दूसरे की तारीफ भी कर दो कि आपकी योजना को मैं आगे लेके जा रहा हूं क्योंकि अच्छी थी और आपकी ये योजना अच्छी है इसलिए इसको मैं भी आगे लेके जाऊंगा, ऐसा कभी होता है क्या? कांग्रेस की अगर योजनाएं अच्छी होती तो आज देश को विकास की जरूरत ना पड़ती, वो विकास जो लगभग 55-60 साल कांग्रेस की सरकार, मनरेगा योजना भी, अगर मनरेगा योजना वाली स्थिति आज 50 साल बाद भी मनरेगा वाली स्थिति रही तो ये कांग्रेस के मित्रों को सोचना चाहिए कि वो देश को सक्षम नहीं कर पाए कि जो उन्हें मनरेगा की जरूरत पड़ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, देश का योजना तो अच्छी है ना, जो हमारे मित्र हमने कहा है कि विकास कहाँ हुआ है, मैं चुनौती देकर कहता हूँ कि मेरे कांग्रेस के जितने बड़े भाई या जितने भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, वो घर से बाहर निकलते ही जिस सड़क पर पैर रखते हैं वो भाजपा सरकार की बनाई हुई है, आदेश चौहान की बनाई हुई है, ये उन्होंने भी बोला है। बिल्कुल, एक मिनट हाँ जी आप बहुत देर से बोल रहे हैं, हाँ जी, अभी छोटे भाई चमन ने बताया, हाँ जी, कि जिस सड़क पर किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो पैर रखता है वो आदेश जी की बनाई हुई है, ऐसे ही जब से देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की बनाई हुई, ग्राम सलेमपुर में आज तक पेयजल योजना नहीं थी, 5 करोड़ रुपए की पेयजल योजना अध्यक्ष जी ने भी पास कराई, 75 करोड़ रुपए की योजना जगजीतपुर में दी, तो ये क्या कम है कार्य बताइए आप। बिल्कुल, चलिए हाँ जी, आप भी कर लीजिए, सीधा पूछे किससे पूछना जी। मैं चौहान जी से एक सवाल करना चाहूंगा, एडवोकेट सचिन बेदी सर, आम आदमी पार्टी से जिला लीगल सेल अध्यक्ष, मेरा सवाल यह है कि सर विकास की बात जहां रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, कि विकास क्या केवल सड़कों तक ही सीमित रह गया है ये विकास, और अगर ये विकास की अगर बात करें तो क्या ये महंगाई बढ़ाना और लोगों के रोजगार खत्म करना ये विकास के अंतर्गत आता है, ये मेरा सवाल है सर, इसका मुझे जवाब थोड़ा जनता को भी मिल जाए।
चलिए चलिए, जिनका इनका जवाब दे दीजिए जी। जनता विकास सड़कों पे ही होगा क्या? जो आपने कहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ाना, देश को समर्थ बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे रेडी ठेली वालों को 10-10 हजार रुपए पर व्यक्ति को देना हो कि वो खुद में सक्षम बने, वो लगातार सरकार के काम है। और अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिडकुल में लगातार वोटर बढ़ रहे हैं, लगातार बाहर से आकर लोग यहाँ अपना मकान बना रहे हैं। मकान वही बना सकता है जिसके पास रोजगार है, कोई बेरोजगार आदमी मकान नहीं बना सकता। चल एक मिनट। हाँ जी, मैं ये इधर उधर की बातें बता रहे हैं, रानीपुर विधानसभा की बात इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे चमन चौहान जी से। चमन चौहान जी, इनका कहना था कि जो डामरीकरण होता है वो बरसात के बाद होता है। अभी हमारी गली है टीरी विस्थापित कॉलोनी में, वहाँ की सड़कें आप देख लोगे ना तो आप क्या होगे कि रानीपुर विधानसभा है, कोई दुर्गामी गांव है, वहाँ इन्होंने कहा कि बरसात के बाद सड़क बनेगी, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि बरसात कब सरकारी आंकड़ों में कब खत्म होगी। बरसात कब सरकारी आंकड़ों में खत्म होगी, ये आपसे सवाल है इनका। इनकी रोड नहीं बन रही टिहरी विस्थापित क्षेत्र की। टिहरी विस्थापित, हाँ जी, जवाब ले लीजिए आप। जो मेरे भाई ने बताया है कि टिहरी विस्थापित में सड़कें नहीं बन रही है, तो मैं इन्हें बता दूं कि टिहरी विस्थापित की मेन रोड हो, नाली हो, शिवालिक नगर से बसपा ऑफिस होते हुए टिहरी विस्थापित हो, कोजवे का निर्माण हो, और टिहरी विस्थापित को शिवालिक नगर से जोड़ने वाले पुल का निर्माण हो, वो इन्हीं विधायक ने, इन्हीं भाजपा सरकार ने कराया। दूसरा, जो टिहरी विस्थापित की आपने आंतरिक सड़कों की बात बताई कि डामरीकरण कब होता है, तो जो PWD की गाइडलाइन है 30 सितंबर तक ऑफिशियली वो बरसात मानते हैं, 30 सितंबर के बाद कभी भी डामरीकरण का कार्य शुरू हो सकता है। और जिन सड़कों की आपने बात की है उन पे पत्थर डल चुका है, रोलिंग हो चुकी है और बहुत जल्द उन पे काम शुरू होने वाला है। उसके अलावा भी टिहरी विस्थापित को BHL मध्य मार्ग से जोड़ने वाली रोड का प्रस्ताव जा चुका है, राम मंदिर वाली साइड का टॉयल। चलिए, इनका कहना है कि आपका आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। एक, हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए, फटाफट पूछ लीजिए। मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने रानीपुर विधानसभा में कितने स्कूल बनवाए हैं इसमें, और विधायक जी की केवल 4000 पार्टियां जन्मदिन में जाने के अलावा क्या उपलब्धियां हैं इस 5 साल में? आप जन्मदिन में बहुत जाते हो साहब। ये तो जनता का प्यार है जो माननीय विधायक जी को बुलाती है, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कथा हो, चाहे उनके घर का कोई भी कार्यक्रम है, वो उन्हें अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना भाई समझ कर बुला रही है, उसमें जाते हैं। महंगाई पे जवाब नहीं दिया आपने। महंगाई को पेट्रोल का जो आपने महंगाई का विषय बताया है कि महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, आप गैर भाजपा शासित राज्यों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए उत्तराखंड से, वहाँ पेट्रोल के रेट इनसे भी ज्यादा है। चलिए, महंगाई पे इसी तरह के गोलमोल जवाब मिलेंगे आपको। अभी हमारे भाई जी ने कहा गैस सिलेंडर के बारे में, भाई जी को ये भी पीछे याद करना पड़ेगा कि गैस सिलेंडर मिला ही नहीं करते थे, मतलब लोग लाइन में दो दो रात से लगा करते थे। चलिए, हमें सवाल इधर। नहीं, बुलवा रहा हूं। चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे पार्क का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे लाइट का मुद्दा हो, चाहे अच्छा चलिए चलिए चल चलिए अंकल सुनिए, सवाल इधर है उधर नहीं है, सवाल इधर है इनके सीधा कांग्रेस से, इनके इन विकास के महंगाई के मुद्दे पे भाजपा गिरती नजर आ रही है। देखिए, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जो अपने मुख्यमंत्रियों को ही दिन प्रतिदिन बदल रही हो तो वो अच्छी तरह समझ सकती है, वो सरकार अपने आप को स्वामी फेल मान रही है। रोजगार के मामले में पूरी तरह से फेल, जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करती थी, 2 करोड़, पूरी बात सुन लीजिए, वो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष ले रही है। महंगाई किस चरम सीमा पर है, कच्चे तेल के रेट मार्केट में कम हो रहे हैं, आप 66-66 रुपए से 100 रुपए डीजल और पेट्रोल के रेट पहुंचा दिए, गैस के जो रेट 350-400 रुपए तक होते थे वो 950 पर ले गए, सब्सिडी आपने कह दिया
10 लाख से कम जिसकी इनकम होगी उसे ही मिलेगी, उससे ऊपर वालों को नहीं मिलेगी। तमाम चीजें समाप्त करके बात का मैं आपकी एक मिनट जनधन खाते के तहत गरीबों को लूटने का काम किया। जो जनधन खाते खुलवाए थे वो सारा पैसा कहाँ पर है? वो सरकार के खाते में है। वो खातों से काट काट के जीरो कर दिए गए, जीरो बैलेंस खाते कर दिए गए। ये जनधन का काम था। जनधन का काम क्या था? सिलेंडर कहाँ पहुँच गया कि अरे जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ पर तेल बहुत सस्ता हो रखा है मेरे हिसाब से, है सर? नहीं, दिल्ली में हमारे केजरीवाल आपके हिसाब से भी सस्ता है? बहुत सस्ता है। पहले सस्ता है दिल्ली में? पहले सस्ता, पहले यहाँ मतलब सरसों का तेल जो मिलता था ना, सरसों का नहीं, पेट्रोल की बात हो रही है, 90 रुपए मिलता था, आज 200 से ऊपर 200 प्लस है। अच्छा, तेल के मामले में इन्होंने कहा, तेल के भाजपा जहाँ पर है वहाँ तेल बढ़ाती जा रही है। अच्छा, आपने क्या करा दिल्ली में? दिल्ली में हमने 8 रुपए सस्ता किया तेल। तेल आठ रुपए सस्ता। मैं कल ही भरवा के आया हूँ। नहीं, 8 रुपए सस्ता यहाँ के तेल से देख लो। 8 रुपए लीटर सस्ता बता दिया उन्होंने। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी तो वहाँ पे कम करके जनता को राहत दे दे। जनता वहाँ, बीजेपी वहाँ पे भी नहीं राहत देने का काम कर रही है और बचाव में अपने। हाँ जी हाँ जी, मैं एक बेचल एम्प्लॉई हूँ और सन 2010 से सर्विस कर रहा हूँ। जब भी कांग्रेस की सरकार थी 2003 से लेके और 2012 तक, इतना रोजगार हर साल 500 से 700 वैकेंसी हमारी बीएचएल में निकला करती थी। जब से ये बीजेपी सरकार आई है 2014 से, एक भी वैकेंसी इस जगह पे, एक भी मजदूर आज तक इन्होंने भर्ती नहीं किया है। इसका जवाब कौन देगा? बिकने के कागार पे हमेशा प्राइवेटाइजेशन के लाइन में खड़े रखते हैं हमारी फैक्ट्री को। रात दिन हमें ये डर सताता रहता है कि आज प्राइवेट कल प्राइवेट। मैं खुद भी बीएचएल एम्प्लॉई हूँ, मेरा छोटा भाई भी बीएचएल का एम्प्लॉई है और कांग्रेस के लिए जो प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ बैठे हुए हैं वो भी बीएचएल में ही यूनियन के महामंत्री हैं। बहुत बढ़िया, नंबर एक यूनियन है। बोनस गायब, पीपी गायब, जूता गायब, वर्दी गायब, सारी चीजें गायब। दिलाने वाले यूनियन के पदाधिकारी गायब। और यहाँ मुद्दों की बात नहीं है, इनसे पूछो मुद्दे क्या है। सड़क पे कुछ नहीं बोल सकते, पानी पे कुछ नहीं बोल सकते, बस वो जैसे एक भ्रम बन गया है ना, क्या जी कुछ नहीं किया। अरे वो पूछो तो सही, क्या नहीं हुआ? तुम काम पूछो ना, क्या नहीं हुआ? अपने आप बीएचएल का प्रतिनिधित्व करते हैं, छोटा भाई भी है, बीएचएल की बात आती है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से एक 1% शेयर बिकाओ, उससे पहले शेयर बिके 1990 के अंदर, सबसे पहले 1990 के अंदर सबसे पहले कांग्रेस ने बेचे, कांग्रेस ने शेयर बेचे सबसे पहले। चलिए, आधा परसेंट भी शेयर। आपका जवाब देने वो लोग आए, ये जवाब देंगे, जवाब नेता देंगे। हाँ जी हाँ जी, आपसे पूछ रहे हैं। क्या क्या बोले? बीएचएल के आप तो पदाधिकारी हैं, नेता हैं आप। हाँ, बोलिए क्या जानना चाह रहे हैं। टिकट बिक गई, जूते बिक गए, सेफ्टी के नाम पे हर चीज मिल रही है। ये वही ट्रेड यूनियन है जिन्होंने वो वेज एग्रीमेंट कराया बीएचएल का, जो बीएचएल देश में कभी नहीं हुआ, किसी भी इंडस्ट्री, किसी पब्लिक सेक्टर में नहीं हुआ। और वो हम ही लोग हैं जो आज बीएचएल को बिकने से रोका हुआ है, सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो भाजपा ने कई बार इसको बेचने के लिए लाइन में लगा दिया। तो चलिए, आप मैं ले लो। हाँ जी हाँ जी, आप बताएं। शान, 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 शान। जो मेरे भाई ने अभी क्वेश्चन किया है कि बीएचएल में भर्तियां, एक मिनट सभी लोग सुन लीजिए, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जो बीएचएल के बारे में उन्होंने बात की है, सबसे ज्यादा जो बीएचएल के शेयर बिके हैं वो कांग्रेस सरकार के टाइम में बिके हैं। और बीएचएल के नंबर वन यूनियन के महामंत्री मेरे बगल में बड़े भाई राजवीर चौहान जी बैठे हैं। जब वो कुछ नहीं कर पा रहे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, चुपचाप मैनेजमेंट से सेटलमेंट कर लेंगे, तो कहां से भर्ती आएंगी? अरे वाह, बीएचएल एम्प्लॉय का भला। सेटलमेंट। हाँ जी, सेटलमेंट हो रहा है यहाँ। देखिए, मैं सेटलमेंट पे तो बोलूंगा नहीं, और केवल जो है अपने कांग्रेस के मित्र से और बीजेपी वालों से ही जो है विकास के संबंध में पूछेंगे। मेरा कहना यह है, 2009 से हमारे लोकसभा प्रत्याशी जो है कांग्रेस के मेरे ख्याल से प्रदेश के सबसे बड़े लीडर रहे हैं। हाँ जी। और 2017 तक वे सत्ता में भी रहे हैं। मैं केवल आंकड़ों के हिसाब से जो है आप दोनों से ये चीज पूछता हूँ कि केवल ये बता दीजिए, विकास में हमारे रानीपुर में, दिल्ली बरेली की बात बाद में करेंगे, केवल ये बता दीजिए 2009 से 2014, 14 से 17 और 2012 से लेकर 17 और 17 से 22, इसमें बीजेपी के टाइम की जो है विकास की योजनाओं पे कितना खर्च आया, और 2009 से लेकर 17 तक में पूरा वो जो है आप योजना पे बता दीजिए। हाँ जी, बीजेपी से आपसे ही
आप दोनों से ही है इनका, आप बताएं। जो अभी इन्होंने कहा है कि 2009 में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज के टाइम में, और उस टाइम सांसद रहे, फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री बने। मैं जनता से ही पूछना चाहता हूं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर उन्होंने एक ईंट भी कहीं लगाई हो, कोई रोड भी कहीं बनाई हो, अगर वो मुझे बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, ये राजनीति छोड़ने की बात हो गई यहाँ तो। हाँ जी, आपसे भी उनका सवाल था। ऐसा है, 2009 में आपने माननीय हरीश रावत जी को यहाँ का सांसद बनाया था, वो केंद्र में मिनिस्टर बने। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ उस बात की, रोशनाबाद से लेकर बिहारीगढ़ तक जो 12 पुल बनाने का काम किया था वो किसकी देन थी? वो माननीय हरीश रावत जी की देन थी। वो सड़क बनाने का जो काम किया था माननीय हरीश रावत जी की देन है। आज जो ये सिडकुल लगा है, जब कांग्रेस को मौका आपने प्रदेश में दिया, ये सिडकुल देन कांग्रेस की थी। यहाँ ही नहीं, पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट के कार्य किए कांग्रेस के। हाँ जी, आप शांत बैठ के मजे नहीं लूट सकते। जी देखो, बीजेपी ने तीन तीन मुख्यमंत्री बदल गए। अरे सर, ये हो गया, आगे आगे। बीजेपी के जो है ना, आज बीजेपी के राज में हो क्या रहा है, अगर एक ट्रक भर के कोई चीज आ रही ना, कोई पाउडर मिलता है एक ट्रक भर के, उस पर कुछ नहीं होता, वो मीडिया उसको दबा देती है। तो आप जो है कांग्रेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसमें? नहीं, हम किसी को मतलब सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, सीटें कम ज्यादा होगी नहीं, सीटें कम ज्यादा होगी ना, सीटें कम हम अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, अगर उनकी कम हो गई तो दे दोगे? नहीं देंगे, हम किसी से कम्प्रोमाइज नहीं। चलिए, हाँ जी, अब फाइनल। हाँ जी, एक मिनट, इधर से कोई सवाल? चमन चौहान जी कह रहे घर से निकलो, सड़क पर चले जाओ। चमन चौहान जी रोज जहाँ कॉलोनी का अड्डा की रोशनाबाद में सलेमपुर से रोज आओ, इन्हें भादराबाद को आना पड़ रहा। अगर ये जो हरीश रावत जी सड़क देंगे तो रोशनाबाद से सलेमपुर, अगर ये करवा देते ना तो उसी बुक आया करते, उसी बुक जाया करते। कच्ची पड़ी, आज भी पूछ लो जाए। क्यों नहीं बन पा रही चमन चौहान सीट? चलिए जी, चमन जी आपसे पूछ रहे हैं ये तो। जिस सड़क के बारे में इन्होंने बताया कि 2013 की मुख्यमंत्री की घोषणा, 2013 की मुख्यमंत्री की घोषणा थी जो 2017 में हमारी सरकार बनाने पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे वो हवाई घोषणा ज्यादा करते थे, धरातल पर नहीं होती थी। 2017 में जब हमारी सरकार आई तब उस पर हमने काम शुरू कराया, और उस टाइम कांग्रेस सरकार की अगर वो तरीके से वो घोषणा करती, क्योंकि उसमें क्या है, किसानों की जमीनें नहीं ली गई थी, सिर्फ उन्होंने कह दिया कि यहाँ किसान जो कांग्रेस के एक नेता, हाँ किसान वही जो पीडब्ल्यू डी का नियम कहता है 5 मीटर से कम पे रोड नहीं बनती, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने फर्जी लेटर साइन करके पीडब्ल्यूडी में दिया कि किसान सभी सहमत है, और किसानों की असहमति की वजह से वो चोरी नहीं हो पा रहे, इस वजह से रोड का कार्य रुका हो पड़ा है। चलिए, मैं अब आखिरी सवालों की तरफ बढ़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे मतभेद चलते, पर सबसे अच्छी बात अपने नेता से सवाल पूछने का सही समय है। डायरेक्ट पूछिए, अपने पक्ष से विपक्ष से, हम लोग इसीलिए यहाँ है। हाँ, बिल्कुल सीधा पूछिए। हमारे नेताजी भी आएंगे, नेताजी क्या क्या कारण है उत्तराखंड के अंदर, जब जब भाजपा की सरकार आई है वो स्थायी सरकार नहीं दे पाए, जैसे पहले भी आए थे तो खंडूरी निशंक और तीन तीन मुख्यमंत्री बदले गए, अब भाजपा की सरकार आई तीन तीन मुख्यमंत्री बदले गए, क्या इसी को विकास कहते हैं? चलिए, एयर इंडिया बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, और क्या बेचते हैं, क्या इसी को विकास कहेंगे? अगर रानीपुर विधानसभा की हम बात करें तो केवल कहीं नाली बनाई है तो वहां केवल बोर्ड लगा दिया। एक विकास का उदाहरण मैं दे दूं, सीतापुर के पास जो कॉलोनी है, नगर निगम ने वो रोड बनाई और उसमें फीता काटने आदेश चौहान जी पहुंच गए, क्षेत्र की जनता ने जब विरोध किया वहां से भागना पड़ा। चलिए, इनका कहना रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब बेच दिया। हाँ जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए आप, कि हमारा जो बीएचएल का एरिया है वहाँ पे 10,000 वोट है जिसे हम एस्टेट कहते हैं अपना, उसमें सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 है, सेक्टर 6 तक है, उसमें हमारे विधायक जी का एक काम बता दो कि इन्होंने बीएचएल के लिए क्या करा है, सड़क एस्टेट करता है, सड़क बीएचएल करती है सड़क, विधायक जी फ्री में वोट लेना, विधायक जी 8,000 वोट वहां का फ्री में लेना चाहते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे। अरे बहुत बड़े, देखिए इनके पास 8 से 10,000 वोट हैं और इनकी ताकत समझिए आप। जो मेरे भाई को शायद पता नहीं है, जो मध्य मार्ग बीएचएल का है भगत सिंह चौक से बैरल नंबर 6, वो भाजपा सरकार ने विधायक जी ने बनवाया है। जो मध्य मार्ग पुल है वो भाजपा सरकार ने विधायक जी ने बनवाया है। जो ठीक
भाई बिना विधायक जी के प्रस्ताव के नहीं बनता। देखिए बिना विधायक जी के प्रस्ताव के नहीं बनता। और दूसरा जो इन्होंने कहा है कि वहाँ और कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बीएचएल आज अनुमति दे कि ये सारे काम विधायक अपने उससे करा सकता है प्रस्ताव पे, तो सारे काम हम करा देंगे 2 महीने के अंदर। चलिए इन्होंने कहा, अच्छा सबसे बढ़िया बात बताऊं आपकी, आपने इनको लालच दे दी आज, बहुत बढ़िया, 8 से 10 हजार वोट है मेरे पास, ये बहुत बढ़िया किया। देखो वो भी आपकी तरफ कैसे देख रहे हैं, वो भी कैसे देख रहे हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। माफी चाहूंगा फिर से, आप बोलेंगे कि आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लोग नहीं कन्विंस कर पाएंगे। हाँ, मैं फिर से सत्ताधारी पार्टी से सवाल करूंगा कि आज आज की मौजूदा स्थिति में अगर आप अगर आप सलेमपुर जाएं, वहां पर लक्ष्मी बागे जी, अगर आप सलेमपुर जाएं, वहां पर लक्ष्मी नगर में आज भी सड़कों की ऐसी हालत है कि आदमी पैदल नहीं चल पा रहा है। अगर आप ज्वालापुर की घास मंडी में जाएं, जो कि रानीपुर विधानसभा में है, वहां पर आज भी सड़क की ऐसी हालत है कि आदमी पैदल नहीं चल पा रहा है, नल में सीवर का पानी आ गया है सड़क टूटने से। मैं माननीय आज हमारे सामने बैठे हैं प्रवक्ता के रूप में चौहान जी, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस पे इनका ध्यान क्यों नहीं गया अभी तक। आपका क्यों नहीं गया जी, इनकी समस्या ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छा अच्छा, चलिए एक मिनट, बहुत अच्छा जोश देखने को मिल रहा है यहाँ, अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। जी जी जी, देखिए आप एक मिनट, सबसे अच्छी बात है जी, सभी राम पर और भारत पर होगी, राम पर होगी, यही मुद्दा है बीजेपी का, यही मुद्दा है धर्म पर करेंगे। चलिए चलिए, माहौल गर्म है, मुद्दा भी गर्म है, और सबसे अच्छी बात यहाँ लोग अपनी बात रखना जानते हैं, डिबेट को हल्ले के बीच में दबाए नहीं, ये आपके ही मुद्दे हैं, शांति से इन मुद्दों को चलने दें, ताकि एक एक आदमी की बात अपने अपने प्रतिनिधि तक पहुंच पाए, और प्रतिनिधि शाम को अपने विधायक को बता पाए बड़ा भैया बड़ा रोष है, बड़े खुश है, जो भी है मतलब। नमस्कार आपको, जोर से बोलिए। नमस्कार आपको, हमने बीजेपी को बहुत बढ़ चढ़ कर वोट करी है और आगे भी करेंगे अगर हमारा भला होगा। आप हमें बताइए, गन्ना किसान के लिए 50 रुपए बीजेपी बढ़ा चुकी है, हमारे यहाँ कब बढ़ेगा? अब तो चीनी बहुत बढ़िया रेट जा रही है, एथेनॉल भी आप मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल डीजल में, कब हमारा रेट बढ़ेगा और धान खरीद क्यों नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं? चलिए जी, इनका कहना है कि बीजेपी 50 रुपए गन्ने के रेट बढ़ा चुकी है, हमारा रेट कब बढ़ेंगे? आप इनके गन्ने के रेट बढ़ा के बताइए। सिडकुल में जो करते कौन है, सवाल क्या था इनका? इनका था कि गन्ने के रेट ऑलरेडी 50 रुपए बढ़ चुके हैं, हमारे रेट अभी तक नहीं बढ़े, हमारी समस्या है इनकी, कर्मचारी है ना ये। सबसे ज्यादा मानदेय पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार रही और ये हमारी जो मोदी सरकार रही हो, सबसे ज्यादा श्रम सुधार के काम भी मोदी सरकार ने किए हैं, और लगातार श्रमिकों के हित में काम कर रही है, वेतन बढ़ा रही है, और उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो लगातार मिल रही है। चलिए, मेरा 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 प्रोग्राम समाप्त होने का टाइम आ रहा है, आप अपना समय खुद बर्बाद कर रहे हैं आपस की डिबेट करके, ठीक है? चलिए चलिए, इनके सवाल इनके जवाब आप लोग सुनना ही नहीं चाह रहे हो। सभी दलों से पहले क्या है? दो, भारत माता की। बस बहुत बहुत धन्यवाद, किस्सा कुर्सी का, फिर किसी विधानसभा में फिर पहुंचेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।